वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अक्टूबर 2018 और 1 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है युवराज बादवाड़ी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं युवराज बादवाड़ी और इन्होंने अभी हाल ही में 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता है। अंडर 13 में ये खिताब जीतने वाले ये दूसरे प्लेयर बने हैं। अच्छा, ये दूसरे बने हैं तो पहले कौन है? पहले हैं वीर चोट्रानी। ये जो मैंने सी ऑप्शन पे लिखे हैं ये थे अंडर 13 में एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले प्लेयर, और दूसरे अब कौन बने हैं? युवराज बादवाड़ी। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ कहां पे है? तो ये चेन्नई में हुआ है। अच्छा, यहां से एक और बात आपके माइंड में आना चाहिए कि ये स्क्वैश कौन सा गेम होता है। बैडमिंटन आपने देखा है, टेनिस आपने देखा है, लेकिन स्क्वैश कौन सा होता है? तो जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो तो नेट के एक तरफ आप खड़े होते हो और दूसरी तरफ एक दूसरा प्लेयर खड़ा होता है, लेकिन ये जो स्क्वैश गेम होता है इसमें दोनों प्लेयर एक साइड ही खड़े होते हैं। आप बॉल को मारोगे, बॉल जाके दीवार से टकराएगी और टकरा के जब वापस आएगी तो जो बराबर में आपके पास दूसरा प्लेयर खड़ा है वो उस बॉल को मारेगा, फिर बॉल दीवार से टकराएगी और फिर आपके पास आएगी और आप उसे मारोगे। तो ये जो गेम होता है इसे कहते हैं स्क्वैश। तो 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है युवराज बादवाड़ी ने, ये आप याद रखिए। अच्छा, इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने पाकिस्तान के अनस अली शाह को हराया है, ये भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 39,000 लाइक का, आपने टारगेट पूरा तो किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 39,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन कहां किया है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र यानी कि चॉकलेट प्लांट का उद्घाटन किया है गुजरात में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट लगाया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गए हुए हैं और वहीं पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब यहां पे एक टर्म आया है अमूल, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो आप अमूल का दूध पीते हो उस पर अमूल लिखा होता है, उसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को। अमूल का हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमूल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो आरएस सोढ़ी हैं प्रेजेंट टाइम पे अमूल के सीईओ। अब यहां से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? तो वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है वर्गीज कुरियन, और इन्होंने ही अमूल की स्थापना की थी और इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओटिस रस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ओटिस रस एक गिटार वादक थे और इनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे ओटिस रस
और ये शिकागो के एक फेमस गिटारिस्ट थे। इनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ गंगा अभियान का नेतृत्व कौन करेंगी? तो अभी हाल ही में कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ गंगा अभियान का नेतृत्व करेंगी बछेंद्री पाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक मंथ तक चलेगा ये जागरूकता अभियान, और इसमें क्या करेंगी बछेंद्री पाल? राफ्टिंग करेंगी, और ये जो कचरा होता है इसके प्रबंधन के लिए ये राफ्टिंग करेंगी। और 1 महीने तक अभियान चलेगा, 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। और कहां से शुरू होगा? ये बिजनौर से शुरू होगा, बिजनौर के बाद फरुखाबाद, उसके बाद कानपुर, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद बक्सर, और लास्ट में जाके पटना में ये अभियान कंप्लीट होगा, जिससे कि कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैल सके। आप इमेज में देखिए, ये है बछेंद्री पाल, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यही है बछेंद्री पाल, और ये टीएसएएफ की अध्यक्ष भी हैं। अब ये टीएसएएफ क्या है? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, इसकी ये अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये इंदौर एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्ट को मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्ट को अभी हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 मिला है। अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया है। पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को, और ये पर्यटन दिवस पर ही राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रदान किए गए थे। और इन्हें किसने प्रदान किया था? इन्हें प्रेजेंट टाइम के हमारे पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने प्रदान किया था। तो केजे अल्फोंस का नाम भी आप याद रखिए, ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव निर्धारित होने से पहले किस राज्य में आदर्श आचार संहिता लगाई गई है? तो ये अभी हाल ही में चुनाव निर्धारित होने से पहले तेलंगाना में आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैंने ये क्वेश्चन यहां क्यों रखा? क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य में इलेक्शन डिसाइड होने से पहले ही आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। अभी इलेक्शन की डेट डिसाइड नहीं है, फिर भी तेलंगाना में आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना ने अभी अपनी विधानसभा को भंग कर दिया और समय से पहले अब तेलंगाना में इलेक्शन होंगे, इसी वजह से चुनाव आयोग ने यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लगा दी है। अब बात है चुनाव आयोग की, तो पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, यानी कि ओम प्रकाश रावत। अब ये आदर्श आचार संहिता लगाई गई है तेलंगाना में, तो आप मैप में देखिए, ये है तेलंगाना। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, और अभी तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव। लेकिन अब इलेक्शन होगा, उसके बाद जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अकादमिक नेतृत्व क्या है? तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के 22 चांसलर्स का एक सम्मेलन हुआ अभी नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये है अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में जयंत मेमन मैथ्यू INS के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं जयंत मेमन मैथ्यू, और ये अभी हाल ही में INS के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन में INS को हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं जयंत मेमन मैथ्यू। और INS की स्थापना कब हुई थी? INS की स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की स्थापना किसने की है? तो अभी हाल ही में व्यापार बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की स्थापना की है वाणिज्य मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विदेश में जो व्यापार से रिलेटेड उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसका इफेक्ट हमारे देश के व्यापार पर न पड़े, इसी वजह से एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह बनाया गया है, और ये किसने बनाया है? वाणिज्य मंत्रालय ने। अब नाम आ गया वाणिज्य मंत्रालय का, तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है। तो सुरेश प्रभु प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में रवि वेंकटेशन को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं रवि वेंकटेशन, और इनको अभी हाल ही में यूनिसेफ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष रह चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए, ये अब यूनिसेफ के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है यूनिसेफ, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? तो हैरिएटा एच फॉरी, ये हैं प्रेजेंट टाइम पे यूनिसेफ के हेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस तिमाही में देश का विदेशी कर्ज घटकर 514.4 अरब डॉलर हो गया है? तो अभी हाल ही में जून तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज घटकर 514.4 अरब डॉलर हो गया है। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का विदेशी कर्ज 2.8% घटा है जून तिमाही में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में नाम आया है आरबीआई। आरबीआई के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं और आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, उर्जित आर पटेल आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई के लोगों के बारे में आपको दो क्वेश्चन बताए थे। आरबीआई के लोगों में दो चीजें हैं, एक पाम का पेड़ है और शेर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर है, तो आप याद रखिए शेर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वृक्ष है, तो आप बताएंगे पाम का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज में होने वाले 6ठे आईसीसी महिला विश्व T20 के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं हरमनप्रीत कौर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी वेस्ट इंडीज में 9 से लेकर 24 नवंबर तक आईसीसी महिला विश्व T20 होगा, और इसी के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चुनी गई हैं हरमनप्रीत कौर। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही हैं हरमनप्रीत कौर, और ये वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चुनी गई हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए रजनीकांत मिश्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2018 खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 39,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।